Hi, my name is Dr. Sameer Gupta, and I'm the director of the cardiac cath lab for the Metro Group of Hospitals. Mm-hmm. The World Hypertension Day is coming up on the 17th of May, and it is important ki hum log is hypertension day ki ahamta ko samjhe, is disease ki ahamta ko samjhe. Now, if you see, hypertension is an epidemic across the world. Duniya bhar mein ek mahamari ban chuka hai, and it is affecting so many people. Now, agar aap sochein, तो हम सब एक ऐसे आदमी को जानते हैं जिसको हाइपरटेंशन हो सकता है, आपके फादर हो, आपकी मदर हो, आपके ब्रदर सिस्टर, या मे बी आपके ऑफिस में कोई कुलीग। तो हाइपरटेंशन एक महामारी बन चुका है, और हाइपरटेंशन क्यों ज़रूरी है, इसको समझना और इसका इलाज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो हाइपरटेंशन से 50% ऑफ स्ट्रोक्स यानी कि लकवा जो होता है, पैरालिसिस जिसको हम कहते हैं, वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है, और 25-30% ऑफ ऑल हार्ट प्रॉब्लम्स हाइपरटेंशन के चलते होती हैं। तो हाइपरटेंशन एक बहुत ही ज़रूरी बीमारी है, और इसके ज़्यादा लक्षण नहीं होते, इसके ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो इसलिए रेगुलर चेकअप कराना, अपना बीपी का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है आपके हाइपरटेंशन को पकड़ने के लिए, जैसे कि इसका इलाज हो जाए। अगर आप आज की तारीख में देखें तो कोरोना वायरस भी एक वैश्विक महामारी बन चुका है, एक पैंडेमिक है, और लाखों लोग इससे बीमार हो चुके हैं, और काफ़ी इतने हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों की मौत भी हो चुकी है दुनिया भर में। हाइपरटेंशन से पीड़ित मरीज की कोविड के चलते मौत होने की संभावना ज़्यादा होती है, ये भी हमने डिफरेंट रिसर्चर से देखा है, चाइना में, इटली में, अमेरिका में, तो डेटा बाहर आया है वो ये कहता है कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो आपको COVID-19 के चलते ज़्यादा बीमार होने की आशंका होती है। यू हैव अ हायर रिस्क ऑफ मोर्टैलिटी इफ़ यू हैव डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू दैट इन चीज़ों का हम अच्छी तरह इलाज करें, और हाइपरटेंशन डे के ऊपर सोचकर हम इसको और समझें। अब देखिए, अब आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर पर बैठे हुए हैं, चलना फिरना भी कम हो गया है, तो ये इससे आपका बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है, स्ट्रेस भी कम है तो बीपी फ्लक्चुएट करता है। अब घर पर बैठे रहने से ये आपके लिए अच्छा नहीं होता, आपके बीपी थोड़ा बढ़ सकता है इन चीज़ों के कारण, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बीपी पे ध्यान दें। आप अच्छा खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, घर पे बैठ के एक्सरसाइज करिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, आपके लोकेलिटी में अगर कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो ज़रूर अपने घर के अंदर यूट्यूब पे देखिए, जाके दुनिया भर के उधर एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं जो आपको पसंद है, जो आपके लायक है, आप वो करिए, अपनी फिटनेस को बढ़ाइए, इससे आपके बीपी का कंट्रोल भी बहुत अच्छा होगा। एक और चीज़ जो इस वैश्विक महामारी के कारण आई है वो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और लोगों के काम करने का तरीका, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, कुछ लोगों की नौकरी जो है वो डाउटफुल है, कुछ लोगों की नौकरी जा चुकी है, पेमेंट्स नहीं हो रही। लेकिन हम सबको ये समझना है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आप हेल्दी रहेंगे, तभी आप इन चीज़ों से लड़ने का और आगे बढ़ने का आपके अंदर क्षमता होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, मेडिटेशन करें, क्योंकि ये सब चीज़ें स्ट्रेस को कम करती हैं, आपके बीपी को कम करती हैं, और आपको ओवरऑल हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी। आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो लोग जिनको हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, अन्य दिक्कतें हो रही हैं, वो अस्पताल नहीं जा रहे, वो मेडिकल अटेंशन सीख नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि हम अस्पताल जाएंगे, कोरोना के मरीज होंगे। देखिए, ऐसा मत करिए। दुनिया भर के आंकड़े ये बता रहे हैं कि अमेरिका में, चाइना में, इटली में, जहाँ पर ये बीमारी पहले हमारे से गई है, जैसे हमारे पहले फैली है, वहाँ पर जो हार्ट डिजीज़ की संख्या है वो कम नहीं हुई है, उल्टा लोग जो हैं अस्पताल लेट आ रहे हैं, या बहुत लेट आ रहे हैं जब उनका इलाज नहीं हो पा रहा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई भी, आपको छाती में दर्द है, सांस फूल रहा है, आपको पैरालिसिस हो गया, कमज़ोरी हो गई, प्लीज़ आप अस्पताल जाइए, डरिए मत, और अपना ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि कोरोना तो एक बीमारी है, लेकिन बाकी भी और बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं। तो प्लीज़ जाके अपना इलाज कराइए, आप अपने बाकी जो बाकी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिए, और खुश रहिए।